सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि फाइनली एक और नया व्लॉग सामने आया, क्योंकि मुझे भी पता है काफ़ी समय से जो व्लॉग्स हैं वो नहीं सामने आ रहे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। प्री बोर्ड्स चल रहे थे और फिर इतना सब कुछ काम आ रहा था, तो इस वजह से काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था। और ये वीडियो तो बस ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें जो है मैं अपना फेयरवेल व्लॉग दिखाने वाली हूँ। और अभी जो है आज संडे था और आज थोड़ा बहुत काम था, तो अभी मैं आई हूँ सेक्टर 16 पंचकुला के मार्केट में। और अभी मेरे को एक्चुअली अपने जो साड़ी जो फेयरवेल पे मैं पहनने वाली हूँ उसके ब्लाउज़ को लेकर थोड़ा बहुत काम था। साड़ी अभी रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि वो वीडियो में ही रिवील होगा जो वीडियो आप लोग फेयरवेल की देखेंगे। बाकी अगर बात की जाए क्या कुछ है, तो अभी तो देखते हैं। अभी मैं वहाँ पर दे आ चुकी हूँ, मतलब जो भी ब्लाउज़ का था वो सारा मार्केट में दे आ चुकी हूँ शॉप पर। बाकी अब सेक्टर 15 में भी जाना है, कुछ काम है। और उसके बाद एक सब्सक्राइबर ने जो था उसने कहा था, उसके मतलब उसका रिक्वेस्ट था कुछ वीडियो, उसको क्लिप दिखानी है मेरे को सेक्टर 15 की। तो मैंने कहा क्यों ना उसकी रिक्वेस्ट भी जो है वो पूरी कर दी जाए, और जो काम है सेक्टर 15 में वो भी पूरा हो जाएगा। तो बाकी आई होप आपको भी थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। इवन कि मेरा भी मन था पर टाइम ही नहीं मिल रहा था इतना। बाकी मैं बता देती हूँ, शॉप भी दिखा देती हूँ कि कहाँ पे है वो शॉप जहाँ पे मैंने उसको दिया है, मतलब बेसिकली कलर करने के लिए दिया है। कलर का जो था वो थोड़ा फ़र्क आ रहा था जो साड़ी का और ब्लाउज़ का, तो मैंने कहा चलो कलर के लिए दे देते हैं, क्योंकि 2-3 दिन ही पड़े हैं और फटाफट जो है वो मेरा जो आउटफिट है फेयरवेल का वो भी तैयार हो जाएगा। सो गाइस, ये जो है ये सेक्टर 16 के मार्केट का बैक साइड है यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये कलर करके ये जो भी कपड़ा है उसको सुखा रहे हैं। तो यहीं पे मैंने कलरिंग के लिए दिया है, बाकी ब्लाउज़ जो है मेरा वो यहाँ पे कलर कर देंगे, शाम तक मिल जाएगा। और बाकी हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और शाम को जैसे ही ब्लाउज़ जो है वो कलर होकर मिलता है, ब्लाउज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। थोड़ा बहुत कलर तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या कुछ है, पर हाँ ब्लाउज़ दिखा दूँगी कि कैसा यहाँ पे इन्होंने कलर किया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये बैक साइड में है इनका, तो चलिए अब देखते हैं क्या कुछ होगा, कैसा कलर करके ये लोग देते हैं ब्लाउज़ को। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही था कि मैं सेक्टर 15 में जाने वाली थी, तो मैं अभी सेक्टर 15 में आ चुकी हूँ। पर उससे पहले मैं सेक्टर 15 के जो है ये रेजिडेंशियल एरिया में आई हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्टर 15 में जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर रहते थे, और वो जो है वो किसी वजह से उन्हें शिफ्ट करना पड़ गया, तो इसलिए अब उन्हें जो है वो यहाँ की लोकेलिटी का बस एक क्लिप दिखाना था कि हाँ अब जो है वो ये एरिया किस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पार्क में आई हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं पार्क कितना सुंदर लग रहा है, कितना नीट एंड क्लीन है। इसका बैक कैमरा से जो है वो पार्क का व्यू भी दे देती हूँ। उसके बाद जो लोकेलिटी उन्हें दिखानी थी, मतलब जिस एरिया में वो रहते थे, वो एरिया भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो गाइस, यही है वो पार्क जो कि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल पार्क है और कितना मतलब नीट एंड क्लीन पार्क है। तो ये आई गेस वो वीडियो जो है वो सब्सक्राइबर तक मेरे पहुंच रही होगी, जो भी इस वीडियो को बनाने के लिए जिसने रिक्वेस्ट की थी। सो गाइस, ये जो है ये बैक साइड एरिया है रेजिडेंशियल एरिया का सेक्टर 15 पंचकुला के। ये आप देख सकते हैं ये पार्क के जो है ये मैं बाहर साइड आ चुकी हूँ, और यहाँ से भी जो है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत अच्छा जो है वो ये लोकेशन लग रहा है यहाँ पे देखने में। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड आई होप जो भी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था वीडियो बनाने के लिए उसके तक ये वीडियो पहुँच रही होगी, और उसकी जितनी भी पुरानी मेमोरीज थी इस पार्क को लेके, सेक्टर 15 को लेके, वो दोबारा से रिफ्रेश हो गई होगी। यही है वो लेन जिसकी बात कर रहे थे, यानी कि यही है वो गली और रेजिडेंशियल एरिया सेक्टर 15 पंचकुला का, जिसकी जो है वो मेरे सब्सक्राइबर बात कर रहे थे। एंड आई होप कि ये जो लेन है वो उनको दिख रही होगी, एंड उनको सारी उनकी मेमोरीज जो है वो याद आ रही होगी। और एंड आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी एड्रेस तो मैंने ठीक ही लिया था, ठीक है। और बाकी ये वही गली है।
तो गाइस ये जो है ये सेक्टर 15 का मंदिर है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, पर अगर नहीं देखा तो ये देख सकते हैं आप लोग। ये सेक्टर 15 का मंदिर है और उसके साइड में ही सीधा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जैन भवन है सेक्टर 15 पंचकुला का। बाकी यहाँ से अगर आप लोग ये सामने वाले रोड पकड़ के अगर आप लोग लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप सेक्टर 15 की मार्केट में जो है वो ईजिली चले जाएँगे। और बाकी ये यहाँ पे जो है ये रेजिडेंशियल एरिया के बीच में जो है ये मंदिर और वहीं जैन भवन को बनाया गया है। तो चलिए अब हम जो है वो चलते हैं, यहाँ से मार्केट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अब हम जो है वो इस तरफ आ रहे हैं और बाकी यहाँ पे ये जो सकते हैं ये सामने वाली लाइन भी है जो यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं सीधा। लोग यहाँ से भी टर्न लेंगे तो यहाँ से भी आप लोग सीधा जो है ये लाइन में होके और सीधा आप लोग यहाँ से मार्केट की तरफ जा सकते हैं। सामने से अगर आप लोग राइट लेते हैं तो आप लोग सेक्टर 15 के मार्केट में पहुँचेंगे और अगर आप लोग लेफ्ट लेते हैं यानी कि इस तरफ तो आप लोग जो है वो सेक्टर 16 की तरफ पहुँचेंगे। तो चलिए अब हम भी जो है वो मार्केट की तरफ चलते हैं। Of all that is blackness.